आप बुजुर्ग हैं, हम लोग आप देख सकते हैं कि लोग को अवैध खुद लोगों को पकड़ पकड़ के मास्क पहना आ रहे हैं, जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क। वार्ड नंबर 28 के काउंसिलर आयन चक्रवर्ती आज राजा बाजार मार्केट में घूम घूम कर लोगों को मास्क बांटा और सैनिटाइज किया। जो लोग मास्क नहीं पहने हुए थे वो खुद अपने हाथों से मास्क को पहनाया। आइए सुनते हैं उनकी बात। कोरोना बेड़े गए एन करोनार को तो ओषुध बेरोयनि, डबल वैक्सीन नेवार पर मानुषर हो এখন আমরা যতটা সতর্ক থাকতে পারি সেই সতর্কতা হিসাবে যেটা বারবার ডাক্তার বলছে, সারা বিশ্বের ডাক্তাররা বলছে, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার জনসাধারণকে অনুরোধ করছে, আমরা সেই অনুরোধটাই মানুষের কাছে করছি যে আপনারা প্লিজ মাস্কটা পরুন, হাতটা স্যানিটাইজ করুন, যতটা সাবধানে আমরা থাকতে পারি। আমরা জানি করোনার এই মুহূর্তে কোনো মেডিসিন সেই অর্থে আমাদের কাছে নেই, বিভিন্ন রকমের থেরাপি চেষ্টা করা হচ্ছে, ডবল ভ্যাকসিনও সেইভাবে যে সাকসেসফুল সেটাও বলা যাচ্ছে না, তার ইমিউনিটি চলে যাচ্ছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মাস্ক আর স্যানিটাইজারের এই মুহূর্তে কোনো বিকল্প নেই, তো আজকে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজাবাজারের বাজারগুলো আমি স্যানিটাইজ করানোর আমরা ব্যবস্থা করেছি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের তরফ থেকে। এবং প্রতিটা মানুষের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনারা প্লিজ মাস্কটা ব্যবহার করুন, স্যানিটাইজ করুন, যতটা আমরা সচেতন থাকতে পারবো তত এই রোগটাকে ছড়ানোর মধ্যে থেকে যাতে না ছড়ায় তার সেটাকে আমরা আটকাতে পারবো। দাদা আর কী বলতে চাইছেন, যেমন পুরো এলাকার মধ্যে না আমার মেরা এই বললে কা চিজ হ্যায় যে জো ভি হ্যায় সোশ্যাল দেখিয়ে ভি ইয়ে রাজা বাজার বহুত ঘিঞ্জি এরিয়া হ্যায়, अभी हम लोग का कलकत्ता भी इधर का जो पॉपुलेशन है जो भी है इधर, हम तो अगर वो 6 गज का जो डिस्टेंस है सोशल डिस्टेंसिंग वो हम लोग कोशिश करेंगे, मगर सबसे ज़्यादा उससे भी ज़्यादा जो प्रायोरिटी मेरा है, मैं जो बोलना चाहता हूँ तो आप लोग के माध्यम से, ये प्लीज़ 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 आप लोग मास्क यूज़ करिए, सैनिटाइजर यूज़ करिए। आपका मार्केट में, हमारा वार्ड में अगर कहीं भी मार्केट में सैनिटाइजर करने का ज़रूरत हो तो हमको प्लीज़ बोलिए, मेरा नंबर सबके पास है, हम लोग का ऑफिस में कंप्लेंट बुक भी हम लोग किया है, हम लोग तुरंत आके कर देंगे, मगर वो अल्टीमेट नहीं है, अल्टीमेट है आप लोग को खुद को मास्क यूज़ करना और सैनिटाइजेशन, खुद को हाथ को सैनिटाइजेशन रहना। कहीं ना कहीं आज कर्फ्यू लग गया है और हो सकता है कि फ्यूचर में अगर ज़्यादा बढ़े तो लॉकडाउन वापस से लगेगा, तो इस बेसिस में लोगों को बहुत परेशानी होगी, तो उस बेस में आप कहाँ पे खड़े रहेंगे लोग? देखिए मेरा, मैं लोगों के साथ हूँ पहले दिन से हूँ और जितने दिन मैं इधर हूँ मैं साथ में ही रहेंगे। अभी लॉकडाउन कर्फ्यू जो है वो गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, गवर्नमेंट जो अच्छा समझेगा वो लेगा, मेरा काम है लोगों के साथ रहना, मैं लोगों का साथ में हूँ। थैंक यू। कोरोना का तीसरा लहर है दोस्तों, बुजुर्गों साथियों, जिस तरीके से यह बीमारी फैल रही है, आप लोगों से गुजारिश है दिन भर में आप लोग कोई भी काम करें तो आप अपना हाथ अच्छे से धो लें, सैनिटाइज करें, मास्क पहने, ताकि आप खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। हमारे इलाके के कौन